सब्जेक्टिव शीट नंबर 32 वर्टिकल मोशन पे है, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट 2, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट 3, स्टोन इज टाइट टू अ वेटलेस स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व्ड इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस गिवन, व्हाट शुड बी मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टोन एट हाईएस्ट पॉइंट, ताकि स्ट्रिंग में बल ना पड़ जाए, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या, अंडर रूट ऑफ जीआर, अंडर रूट जीआर आंसर, डन, वो मिनिमम मैक्सिमम का केस है, और ऐसी लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5 जीआर। नेक्स्ट रेलवे वाला क्वेश्चन, डाउट डाउट कोई डाउट इसमें, डाउट है तो इसके अंदर एक ब्रिज है, ये रहा आपका आर्क की फॉर्म में ब्रिज, तो ये गाड़ी इसके ऊपर चल रही है, तो वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड बोलो यहां पर क्या होती है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ जी आर, जी पता है, आर पता है, आंसर सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है इसमें। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले एक मिनट, ठीक है, 6 में तो एक थ्रेड है जिसमें टेंशन कितनी है, टी की वैल्यू गिवन है 3.7 × 9.8 न्यूटन, स्टोन का मास गिवन है 500/1000 kg, रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस की वैल्यू भी गिवन है, वर्टिकल प्लेन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। देखो एक बात बताओ, ये लोएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होती है, मैक्स, ठीक है, वेट एमजी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कैन बेयर अ टेंशन ऑफ, मतलब इतनी सह सकता है, यानी कि इसकी मैक्सिमम टेंशन है, तो ये मैक्सिमम टेंशन है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ये वेट है, तो अगर ये किसमें घूम रहा है ना सर्कल, तो इसके पास वी होगा और सर्कल में ओमेगा भी होगा ऑब्वियसली, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या बनानी सिखाई थी, टी मैक्स माइनस एमजी, या तो लगेगा एमवी स्क्वायर बाय आर, या बेटर है आपको क्वेश्चन में वी नहीं पूछा, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, ओमेगा, आप लगाओ एम आर ओमेगा का स्क्वायर, गिवन 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 और गिवन, क्या निकालना है, ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि जितनी टेंशन मैक्स होगी उतना ही ओमेगा भी मैक्स होगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, केजी वेट है ना, केजी फोर्स और केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, राधर यहां पर 10 से करना चाहिए, जी इसमें 10 है तो यहां पर 10 करना चाहिए, 37 न्यूटन। नेक्स्ट 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक और चीज में डिस्कस करनी है, एक मिनट, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, रुको, ये क्वेश्चन 2 कितने लोगों का हो गया, डिस्कस करना चाहता हूं, क्वेश्चन है, अ चाइल्ड रिवॉल्व्स अ स्टोन ऑफ मास गिवन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ गिवन, तो आपको इसकी क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर, ये ना मास गिवन है 0.5 kg, स्पीड ऑफ द स्टोन एट लोएस्ट पॉइंट इज गिवन, तो लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड गिवन है 3 meters per second, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट, तो टेंशन क्या होगी इसमें, टी मैक्स पता ही है वो, तो इसका वेट क्या होगा, एम जी, इक्वेशन क्या बनाई आपने, टी मैक्स माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाय आर, गिवन 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 गिवन, सॉल्व करके क्या आ गया, टी मैक्स, ऐसे किया था, सही किया। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम टेंशन, अब टी मिनिमम निकालो क्या करेंगे, बोलो बोलो, टी मिनिमम इसका वेट यहां पर क्या है, एम जी, वेलोसिटी वी डैश, बोलो इक्वेशन क्या बनेगी, टी मिनिमम प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी डैश स्क्वायर बाय आर, वी डैश क्या पुट करें, कितने लोग बोलते हैं अंडर रूट ऑफ जी आर, गलत, उसने क्योंकि बोला ही नहीं कि ये वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी है, उसने बोला जी वेलोसिटी है, उसे कब बोला मिनिमम वेलोसिटी है, तो दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 जी आर, तो फिर अगर ये रूट 5 जी आर, तो ये जी आर कैसे,
राइट, तो आपको इस केस में काम करना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और यहां पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल लोएस्ट पॉइंट पर जीरो, काइनेटिक क्या, हाफ इंटू एम इंटू थ्री का स्क्वायर। लोएस्ट का मतलब मिनिमम थोड़ा होती है, तुम तीन से फेंको, 300 से फेंको, ये थोड़ा ना कि मिनिमम होगी। वेलोसिटी है, मिनिमम वर्ड यूज कहां किया उसने, अगर वो ये बोलता मिनिमम वेलोसिटी थ्री है ताकि एक चक्कर पूरा हो जाए, फिर ये रूट फाइव जी आर था। तो इसमें आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला एम इंटू जी इंटू रेडियस का डबल आर प्लस आर टू आर, और काइनेटिक में हाफ इंटू एम इंटू वी डैश का इक्वेट करके, भाई पहले वी डैश निकलेगा फिर वी डैश पुट करके टी मिनिमम निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा।